तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर देखिए, मार्केट एक ज़बरदस्त यहाँ पर रैली दे रहा है। मैंने आज मार्केट को बॉटम में पकड़ा था, बॉटम में जहाँ से मैंने पकड़ा वहीं से मार्केट एक मिनट के लिए भी नीचे नहीं आया। थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन मैंने उस कंसोलिडेशन फेज को हैंडल करके अपने प्रॉफिट के लिए वेट किया। बाद में देखो मुझे कितना अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पर। अभी थोड़ा ये पुल बैक लेगा, कोई बात नहीं, इतना बड़ा है तो थोड़ा पुल बैक तो लेगा ही लेगा। ये पुल बैक ही आपको झेलना होता है। पुल बैक अगर आप झेलोगे नहीं तो मार्केट में टिक नहीं पाओगे। जाने दीजिए, चल रहा है आगे, चलने दीजिए इसे। जब तक चलेगा तब तक हम भी यहाँ खड़े हैं। हम तब तक यहाँ पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट में। आपको मार्केट में प्रॉफिट के लिए हमेशा बैठना चाहिए, हमेशा वेट करना चाहिए। यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप हमने यहाँ पर लगा दिया है। जब ये पुल बैक लेगा या रिवर्सल लेगा तब हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है हमें बचाने के लिए। पुल बैक लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये रिवर्सल होगा तो यहाँ पर हम एसएल लगा के रखेंगे। प्रॉफिट के लिए वेट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में। देखिए ज़बरदस्त यहाँ पुल बैक ले रहा है, हमारे लेवल से यहाँ पर है। जब तक हमारे लेवल पर मार्केट टिका है कोई डर नहीं, जब तक हमारे लेवल के ऊपर है मार्केट हम वेट करेंगे। हमारे लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट लेके हम मार्केट से दूर हो जाएंगे। आज मार्केट ने कंसोलिडेशन, बहुत दिनों बाद ये कंसोलिडेशन फेस थोड़ा है मार्केट ने, नहीं तो लगभग 4-5 दिनों से मार्केट इसी में घूम रहा था 100 पॉइंट में। मैंने 17,800 में यहाँ पर अपना जो बॉटम है वहाँ पर पकड़ा था, वहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली दी है। उस रैली का हमने आज फ़ायदा भी उठाया। कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ 2 लॉट और 2 लॉट, 4 लॉट है यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पॉइंट बड़े हैं, पॉइंट यहाँ पर हमने बम्पर पॉइंट निकाले हैं। यहाँ पर देखिए देखिए, ये डबल बॉटम जैसा यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर बनाया था, ट्रिपल बॉटम हुआ था, उसका कंसोलिडेशन फेज में था मार्केट। बैंक निफ्टी ने भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ पर ब्रेक कर दिया। आज आईटी ने अच्छा खासा रिजल्ट दिया, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब के रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होके मार्केट ने फिर 1 से 12 अच्छी रिकवरी ली है आईटी ने। आईटी की वजह से निफ्टी भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। अगर मार्केट अच्छा खासा इसी तरह आगे चलता जाएगा तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये पुल बैक ही आपको झेलना पड़ेगा। पुल बैक ले रहा है यहाँ पर, कई बार लोग ये पुल बैक को झेल नहीं पाते। पुल बैक जैसे होता है मार्केट वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, लेकिन बाद में इतना बड़ा बम्पर मुनाफा होने की संभावना रहती है, तो पुल बैक को झेलो। आप ऐसे नहीं हो कि जितने पॉइंट, समझो आपने अगर 100 पॉइंट देखे हैं तो ऐसा नहीं कि आप 100 पॉइंट लेकर ही घर जाओगे। आपने 100 पॉइंट देखे तो 70-80 पॉइंट लेकर ही घर जाओगे, क्योंकि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आपने 100 पॉइंट देखे, 100 पॉइंट बुक कर लिए, तो आगे के 20-25 पॉइंट या 50 पॉइंट और आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको नहीं मिले क्योंकि आप जल्दी से भाग गए मार्केट से। देखिए देखिए, अच्छी खासी आप रिकवरी ले रहा है फिर से। मैंने कहा था ये सिर्फ पुल बैक है, हमारे लेवल से कितना अच्छा यहाँ पर देखो मार्केट ने एक मतलब सपोर्ट लिया है। अच्छा खासा यहाँ पर अभी ऊपर जाता जा रहा है। देखिए मैंने कहा था ना आपको, ये पुल बैक है, पुल बैक से डरना नहीं चाहिए, पुल बैक से और आपको फ़ायदा होता है। आप अगर ट्रेंडिंग डे में पुल बैक को पकड़ोगे वहाँ पर आप एवरेज करके क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। हाँ, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता है, स्किल का काम होता है, इसके लिए स्किल चाहिए बहुत। आज बैंक निफ्टी ने भी अपना कंसोलिडेशन फेस तोड़ा है।
इसलिए मार्केट में आज बड़ी रैली दिखने को मिल रही है। देखिए तीनों ग्रीन है आज, आईटी, बैंक निफ्टी और निफ्टी। आज हम यहाँ से कम 12-13 हज़ार का प्रॉफिट तो। तो दोस्तों ये रहा हमारा फाइनल प्रॉफिट 15,000 रुपये, बम्पर प्रॉफिट हुआ है आज हमारा। प्रॉफिट के पीछे के पॉइंट देखिए, हमने कम क्वांटिटी में ज़्यादा काम किया है, पॉइंट ज़्यादा निकाले, हमने वेट की लिया। हो सकता है हम 10,000 भी निकल सकते थे, 5,000 भी निकल सकते थे, लेकिन हमने 15,000 तक अपना प्रॉफिट बुक किया। आपको यही करना होता है। चलो चलो दोस्तों, बाय।